हे गाइस, वेलकम टू सुपरवर्स। मेरा नाम है गौरव और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बारे में और इससे जुड़ी जितनी भी थ्योरीज और पॉसिबिलिटीज हैं कि क्या हमें फ्यूचर में एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिल सकती है या नहीं। इन सभी टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सो गाइस, जब से स्पाइडरमैन नो वे होम ने पूरी दुनिया में जो तहलका मचाया है, फिर चाहे वो बॉक्स ऑफिस हो या फिर रोटन टमेटोस पर, उसे देखकर सोनी भी हैरान है क्योंकि अभी तक 1.7 बिलियन की कमाई करके नो वे होम स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है और लोगों में टोबे और एंड्रू को एक बार फिर से स्पाइडरमैन के सूट में देखकर जो भयंकर वाला पागलपन आया है, उसे देखकर लग रहा है कि फ्यूचर में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कंफर्म आएगी ही। और पॉसिबल ये भी है कि सैम रायमी की स्पाइडरमैन 4 भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज को रिवाइंड करके देखते हैं तो ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को नहीं मिली। शुरुआत होती है 2012 में, जहां हमने पहली बार एंड्रू को द अमेजिंग स्पाइडरमैन में देखा था। ये मूवी सॉर्ट ऑफ स्पाइडरमैन रिबूट थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया था, जिसे डायरेक्ट भी किया था मार्क वेब ने, और ऑडियंस को भी ये मूवी काफी पसंद आई थी। लेकिन ये मूवी एमसीयू से कनेक्टेड भी नहीं थी। जिसके बाद 2014 में आई द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, जहां सोनी वालों ने इस मूवी में अच्छा खासा रायता फैला दिया था। क्योंकि मूवी की बात करें तो मूवी इतनी मैसी थी और स्टोरी इतनी वीक थी कि एंड्रू की बेहतरीन एक्टिंग और टिल नाउ अभी तक का बेस्ट सीजीआई वर्क भी इस मूवी को फ्लॉप होने से नहीं बचा पाया और मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज के कारण ये मूवी फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अगर आप इस मूवी को देखोगे तो जो सीजीआई वर्क इस मूवी में किया गया था, टिल नाउ कोई भी स्पाइडरमैन मूवी इस मूवी को बीट नहीं कर सकती। आप खुद सोचो, स्पाइडरमैन की सबसे बेस्ट एबिलिटी स्विंग्स को जिस तरह इस मूवी में हमें दिखाया गया था, वो अलग ही लेवल का था। लेकिन सोनी की सबसे बड़ी गलती इस मूवी को लेकर ये थी कि ट्रेलर में ही इन्होंने पूरी मूवी ही दिखा दी थी। अगर आप अभी सभी ट्रेलर्स को देखोगे तो आपको मूवी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मूवीज की स्टोरी और सभी मेजर सीजीआई शॉट्स तो ट्रेलर में ही सोनी वालों ने दिखा दिए थे। ये सबसे बड़ा कारण था मूवी के फ्लॉप होने का। और सोनी का यहाँ से मन नहीं भरा तो उन्होंने मूवी की एंडिंग का बेस्ट शॉट ही रिमूव कर दिया था, जहाँ पीटर ग्वेन की कब्र पर डेली आता था, पर अचानक उसके डैड, जो हमें लगा शुरुआत में ही मर गए थे, वो अपीयर होते हैं। ये सीन फादर सन का इतना इमोशनल और इंटेंस था, जिसे देखने के बाद फैंस सोनी से और भी ज्यादा नाराज हो गए थे, क्योंकि इस सीन में स्पाइडरमैन का सिग्नेचर कोड भी बोला गया था, जो था विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पीटर के फादर उसे ग्वेन की डेथ से मूव ऑन करने में मदद करते हैं। इस डिलीटेड सीन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं। मार्क वेब, जिन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और 2 को डायरेक्ट किया था, वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी बनाना चाहते थे, जो स्पाइडरमैन की जर्नी को एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाना चाहते थे। अभी तक जितनी भी थ्योरीज और प्लॉट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 से जुड़े मैंने पढ़े हैं, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। तो पहली स्टोरी लाइन में पीटर ऑस्कॉप में चल रहे अलग अलग एक्सपेरिमेंट को स्टडीज करके एक ऐसी इक्वेशन बना लेता है जो मरे हुए इंसानों को जिंदा कर सकता है। इसके रिजल्ट में दो मेजर कैरेक्टर ग्वेन के फादर और नॉर्मन ऑसबर्न जिंदा हो जाते हैं, और नॉर्मन ऑसबर्न इस मूवी के मेन विलन होने वाले थे, क्योंकि जिंदा होने के बाद जब उन्हें पता लगता है कि स्पाइडरमैन ने उनके बेटे का इतना बुरा हाल किया था, वो अपने सभी सीक्रेट एक्सपेरिमेंट जिसमें डॉक्टर ऑक्टेवियस, वल्चर, राइनो, वो सभी को अनलिश कर देते हैं। और अगर आप इस लड़की को नोटिस करोगे तो ये है फेलिशिया हार्डी, जिसे आगे चलकर द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में हमें ब्लैक कैट के रोल में देखने को मिलती, जो स्पाइडरमैन के साथ मिलकर इन सिनिस्टर 6 का सामना करते। दूसरी थ्योरी जो अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को लेकर ये है कि इसमें क्या होता है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में नॉर्मन ऑसबॉर्न जिस बीमारी के चलते मरने वाले थे, तो उन्हें बचाए रखने के लिए उनके सर को काट कर ऑस्कोप के कई एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रीज करके रख लिया जाता है, जो बाद में एक न्यू बॉडी के साथ इस मूवी में रिटर्न करते और अपने बेटे का बदला लेते, जिसकी शुरुआत द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 की एंडिंग में हमें देखने को मिलती भी है, जब ऑस्कोप से राइनो को अनलिश कर दिया जाता है। तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एक प्रॉपर सिनिस्टर 6 मूवी होती, लेकिन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के पुअर रिस्पॉन्स के साथ सोनी का सिनिस्टर 6 का सपना भी टूट गया था। पर फाइनली 7 साल बाद सोनी और मार्वल के कोलैबोरेशन के जरिए हमने एंड्रू को एक बार फिर से द अमेजिंग स्पाइडरमैन के रोल में देखा, और जिस लेवल की एनर्जी एंड्रू की इस मूवी में हमें देखने को मिली, वो अलग ही मूवी में जान डाल देती है। और नो वे होम के जरिए एंड्रू के स्पाइडरमैन के साथ जो गलतियां पहले हुई थी, उसे एक सॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन भी देती है। सबसे पहले टोबे का 3 बार एंड्रू को अमेजिंग स्पाइडरमैन कहना, दूसरा जब टॉम होलैंड का स्पाइडरमैन एमजे को नहीं बचा पाता तो एंड्रू उसी टाइम एमजे को बचा लेता है, जो एंड्रू के सबसे बड़े गिल्ड को रिडीम कर देता है, क्योंकि वो ग्वेन को द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में नहीं बचा पाता। मेरी नजर में नो वे होम एंड्रू को एक प्रॉपर एंडिंग देती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एंडिंग के बाद एंड्रू के स्पाइडरमैन के साथ क्या हुआ।
और अपने यूनिवर्स में जाने के बाद अब एंड्रू के स्पाइडरमैन की स्टोरी लाइन कैसे आगे बढ़ेगी। वेल सोनी यहाँ पर अगर वैनम और मॉर्बिस को एंड्रू के यूनिवर्स में इंक्लूड करते हैं तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 काफी डिफरेंट हिट कर सकती है, क्योंकि वैनम और मॉर्बिस दोनों ही एंटी हीरो हैं और कॉमिक बुक में स्पाइडरमैन के साथ दोनों का ही अच्छा खासा बैटल होता है। अगर मॉर्बिस और स्पाइडरमैन दोनों की पावर्स की बात करें तो मॉर्बिस का वैम्पायर हिप्नोटिक्स स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन मॉर्बिस की फुल स्ट्रेंथ उसके ह्यूमन हंट्स पर डिपेंड करती है। मॉर्बिस जितना हेल्दी ब्लड पिएगा उतना ही वो स्ट्रांग बनता जाएगा। और अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक में तो मॉर्बिस 1-on-1 बैटल में स्पाइडरमैन को अच्छे से नॉकआउट कर देता है, लेकिन एंड मोमेंट में डॉक्टर कॉनर्स उसे बचा भी लेते हैं। और अगर वैनम की बात करें तो हमने ऑलरेडी वैनम के 2 वेरिएंट्स को लाइव एक्शन मूवी में देख लिया है, जिसमें एक प्योर इविल और दूसरा एंटी हीरो होता है। कॉमिक बुक में वैनम फिजिकली स्पाइडरमैन से काफी ज्यादा स्ट्रांग भी होता है, पर हमने एक फेस ऑफ लाइव एक्शन मूवी में ऑलरेडी देख लिया है। लेकिन टॉम हार्डी का वैनम बिल्कुल ही अलग है और फिजिकली बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। तो फ्यूचर में एंड्रू की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में हमें तीनों ही एक साथ देखने को मिल जाए तो वो मोमेंट का क्रेज अलग ही लेवल का होगा, और ये शायद सच भी हो सकता है क्योंकि सोनी पहले मॉर्बिस को जनवरी में ही रिलीज करने वाले थे, लेकिन स्पाइडरमैन की सक्सेस के बाद सोनी मॉर्बिस को अब 1 अप्रैल को रिलीज करेंगे। और कई रूमर्स ये भी है कि एंड्रू मॉर्बिस में एक कैमियो रोल करने वाला है। अगर दोस्तों ये रूमर सच हो गया तो मजा अलग ही लेवल का होगा, क्योंकि वैनम लेट देयर बी कार्नेज में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। तो सोनी के पास अच्छा खासा चांस है स्पाइडरमैन के एक डिफरेंट वर्जन को दिखाने का, और स्पाइडरमैन के अगेंस्ट मॉर्बिस और वैनम को देखना काफी थ्रिलर भी होगा। सो दैट्स इट गाइस आज के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी अभी मार्वल ने मून नाइट का ट्रेलर भी ड्रॉप किया है, तो उसका ब्रेकडाउन भी जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी या।